एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं 2 महीने के अंदर, आने वाला 2 महीना, ये जो जनवरी और फरवरी और मार्च, इस महीने के अंदर आपको अपने पैसे का 10 से 15% का एक गारंटेड रिटर्न मिले, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां से एक आप गारंटेड रिटर्न ले सकते हैं जो आपके बैंक में, चाहे आप फिक्स डिपोजिट के रूप में रखा हो या नॉर्मल आपने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में है, तो उसको आप यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट करके थोड़े समय के लिए आप इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 महीने 3 महीने के अंदर ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए और वन बाय वन मैं इसको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, कैसे करना है, क्या करना और कैसे आपको रिटर्न मिलेगा जो आपके लिए सेफ एंड सेफ्टी होगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या चाहे आप नॉर्मल अपने फंड्स को मैनेज करते हैं, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है और ये अभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आज के टाइम में एफडी में आपको मिलता क्या है? 5 से 7%। 7% भी बहुत मुश्किल से कहीं पे मिलता है। नॉर्मली आप अगर एसबीआई में जाएं तो आपको 5% का एफडी मिलता है। अगर उस 5% को बढ़ाना है, आपको 10% या 15% पे ले जाना होगा, तो थोड़ा सा हटके काम करना होगा, थोड़ा सा अलग करना होगा। और उसी कदम में आपके लिए TCS ने ये अनाउंस किया है। TCS का मतलब टाटा कंसल्टेंसी, जो सॉफ्टवेयर की जानी मानी कंपनी है, आपको भी जानते हैं टाटा के बारे में। इसने अपना एक बायबैक ऐलान किया है। अब ये बायबैक जो है ये क्या होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अभी आपको TCS बायबैक आप सुनकर ये मत सोचिए कि भाई ये तो मेरे काम का नहीं है क्योंकि ये शेयर ट्रेडिंग का है, तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग और ये आपके काम का ही है, आपके काम का। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स क्या चाहते हैं और उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, बायबैक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हम कैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो मैंने ऑलरेडी नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है, जिरोधा का डीमैट अकाउंट खोल लीजिए जो आपको 200 रुपये चार्ज में खुल जाता है, या एलिस ब्लू है जो फ्री में खुल जाता है। तो आप अपना ये डीमैट अकाउंट खोल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि बायबैक का मतलब क्या है, बाय और बैक, यानी शेयर्स जो कंपनी ने आगे दिए हुए हैं उसको वापस ले रही है। अब ये आपको समझना होगा कि जब कंपनी शेयर वापस ले रही है, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी तो शेयर देती है, लेकिन अब ये कंपनी शेयर वापस ले रही है, और भी वापस भी क्या ले रही है, किस रेट में ले रही है, 4500 के रेट में आपको शेयर वापस ले रही है, जबकि आज के टाइम में उसका रेट है 3800 रुपीज का, ठीक है। और कंपनी 4500 में वापस ले रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंपनी में बड़ा है या कंपनी प्रॉफिटेबल है, तभी आपको अपने शेयर्स की वैल्यू वो 4500 रुपीज लगा रही है। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि बायबैक क्या है और ये उसके बाद कैसे काम करेगा। बायबैक मतलब आपका, आपने जो शेयर्स मार्केट में दिया है, मान लीजिए कि आप एक कंपनी है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने 100 शेयर्स मार्केट में दिया हुआ है और जिसका रेट पर शेयर का रेट 10 रुपये है, ठीक है। अब आपके 100 शेयर देने पर आपका मार्केट में काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपने काम किया और आपके पास प्रॉफिट आ गई। प्रॉफिट आने के बाद आप तो हर साल डिविडेंड के रूप में अपना प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसे आप अपने कंपनी को प्रमोशंस में, कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। अब ये हम TCS की बात करें, TCS क्या करती है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब इसके प्रमोशंस और ये सब चीज़ों का क्या, कहाँ पर एक्सपेंस करें, तो अब कंपनी के पास जो फंड आया उसमें से, अब उस फंड्स में से वो क्या करना चाहती है कि जैसे उसने शेयर्स जो आपको मार्केट में दिए हुए हैं उसमें से कुछ शेयर्स को अपने पास लेना चाह रही है। वो चाह रही है कि जो मैंने 100 शेयर्स आपको दिए हुए हैं, तो मैं अगर 90 शेयर्स भी आपको मार्केट में देता हूं तब भी मेरा काम हो जाएगा, तो वो शेयर्स आपसे वापस ले लेगी, यानी कुछ शेयर्स आपसे बायबैक कर लेगी। और उस बायबैक के बदले में जो शेयर, क्योंकि आज का शेयर्स मैंने जैसे आपको बताया कि 3800 के पास है, तो ये कंपनी ने बायबैक के लिए आपको बोला कि साहब आपसे शेयर्स में जो ले रहा हूं उसका रेट ज्यादा है, ठीक है, यानी आपको वो प्रॉफिट में देकर जा रही है, तभी तो आप उनके शेयर्स को वापस देंगे, क्योंकि कंपनी समझ रही है कि मेरी वैल्यू 3800 नहीं है, अब 4500 हो चुका है और इससे आपका फायदा होने वाला है। यानी आज आपने शेयर खरीद लिया, आपने ये शेयर्स ले लिया आपने स्टॉक में, तो सिंपल आपका जो 3800 का शेयर्स है 4500 के पास
तो आना ही है क्योंकि कंपनी उसमें लेगी। अब इसकी डिटेल्स में भी हम आगे समझेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये आपको इतना आसान नहीं है जितना अभी समझ में आ रहा है। तो अभी हम ये देखते हैं कि बायबैक होता क्या है। बायबैक का मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स को आपसे वापस लिया क्योंकि वो चाह रही है कि मेरे कम शेयर्स देने के बाद भी मेरा काम हो रहा है तो मैं फालतू में शेयर्स मार्केट में क्यों रखूं। अब देखिए बायबैक के ना हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। बायबैक कंपनी दो तरीके से ला सकती है, एक तो होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन मार्केट। देखिए टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट में बहुत अंतर है। अगर कोई बायबैक टेंडर ऑफर में आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया माना जाता है, ओपन मार्केट में थोड़ा सा चेंज होता है। ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि मैं इतना शेयर्स आपको मार्केट से परचेज कर लूंगा, लेकिन ये कब और टाइम टू टाइम जब भी उसको लगेगा वो अपना शेयर्स वापस बायबैक में लेते रहेगा, वो आप मार्केट से उठाते रहेगा। लेकिन जो टेंडर ऑफर होता है, टेंडर ऑफर्स में कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया कि साहब मैं आपसे 4500, जैसे TCS की मैं बात करूं कि 4500 रुपीज में आपका शेयर्स लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि 4500 में वो 100% शेयर्स ले लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज 10 लाख लगा दिया और 3800 की अमाउंट है और 100% वो आपका शेयर वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। टेंडर ऑफर में डिसाइड होगा कि आपका कितना परसेंट शेयर्स वो लेगा। अब एक तरीके से आप देखें, अपनी कंपनी ने बायबैक किया, मान लीजिए कि आपने कोई शेयर लिया, अभी कितने का शेयर्स लेना है, कितना आपका अमाउंट इन्वेस्ट करना है, वो सब मैं एक ही करके बताऊंगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे थे टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट, तो इसमें सबसे बढ़िया होता है हमारा टेंडर ऑफर। तो TCS के केस में भी हमारा ये जो बायबैक है टेंडर ऑफर है, यानी कंपनी ने डेट डिसाइड कर दिया है, डेट अभी आना बाकी है लेकिन आ जाएगा कि बहुत जल्दी आपको इस फरवरी या मार्च के अंदर ही आपका डेट आ जाएगा, तो हमारे पास अभी टाइम है इंस्टेंट हमें शेयर लेने के लिए। तो टेंडर ऑफर में ये हमारे पास फिक्स हो गया कि हम इस शेयर्स को परचेज कर लेते हैं तो मुझे आने वाले समय में फायदा ही होगा। तो उसकी बात एक और तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आज TCS का शेयर 3800 रुपये का है आज, ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने क्योंकि हमारा टारगेट है 10-15% का रिटर्न, ठीक है, 10-15% के रिटर्न के लिए हमने आज इन्वेस्ट कर दिया। हमारे पास 2-3 महीने ये 6 महीने का आप मैक्सिमम टाइम आप मान लीजिए। अब क्या है कि आज जब ये कंपनी ने अपना डेट अनाउंस कर दिया, उस डेट पे आपको अब इसके परसेंटेज डिसाइड हो गया कि चलो, जब कंपनी के पास डिटेल्स आया तो उसने परसेंटेज डिसाइड होगा कि वो 10% ले शेयर लेगा, 40% लेगा या 100% लेगा, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज जो रेशियो है, मुझे जो लगता है कि कम से कम 65-70% शेयर्स आपसे वापस लेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेंडर ऑफर है। तो इस केस में अगर 65-70% भी आपके शेयर्स वापस जा रहे हैं तो नॉर्मली आप उसको रेट आप देख सकते हैं। और दूसरा एक और बात बोलूँ, मान लीजिए कि 100% शेयर्स नहीं लिया लेकिन आज तो आपको 3800 में शेयर्स मिल गया, ठीक है। अब टेंडर ऑफर खत्म होने के बाद जो नॉर्मली आप देखेंगे, आपको मैं चार्ट के साथ द्वारा दिखा दूंगा कि ये एक बायबैक इनका देखते हैं। मैं आपको TCS का बायबैक दिखाता हूं जो पुराने बायबैक हुए थे और उसके क्या डिसीजंस हैं और कितने आपको रिटर्न्स हैं। अगर आप यहां पर देखें 2020 में ये बायबैक डिटेल्स है, अनाउंसमेंट कब हुआ था, 7 अक्टूबर 2020 को, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन था इसका रेट 2735 रुपये TCS का, जिस दिन अनाउंस हुआ था, जैसे अभी अनाउंस हुआ है 12 तारीख के डेट में, तो इस समय का रेट उसी तरह से 2020 में अनाउंस हुआ था जो उसमें 2735 रुपये का रेट था। उसके बाद रिकॉर्ड डेट 28 नवंबर का था, 28 नवंबर को हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, उस समय 2735 से रेट डाउन होके 2679 रुपीज हो चुका था। तो यहां से 7 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक इस रेट में 2700 से लेके 2600 भी आया। तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे TCS ने अनाउंस कर दिया तो आपको शेयर्स इमीडिएट उठा लेना है, हाँ ठीक है, आपको धीरे धीरे करके आपको शेयर्स उठाने हैं। अब आप देखिए बायबैक ओपनिंग डेट क्या था, जब अभी TCS का ओपनिंग डेट अनाउंस करेगा तो उसमें आपका आपके पास 28 नवंबर के बाद ये आपके शेयर्स आपके पास रहेंगे, जिसमें ओपनिंग डेट यानी आपको ऑफर कर देना है, दे देना है कंपनी को, ये डेट है 18 तारीख से 1 तारीख के बीच में। और उस समय रेट क्या डिसाइड किया था बायबैक का, कंपनी ने 3000 रुपये आपको रेट डिसाइड किया था, ठीक है। उसके बाद बायबैक खत्म होने के बाद क्या हुआ, रेट बढ़ गया,
तो इस टाइप से धीरे धीरे रेट बढ़ जाता है। ये 2020 की बात है जब मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी था और कोरोना के भी थे। उस तरह से 2018 की बात करें, वहां पर भी आप देखें 1781 का बाईबैक के समय रेट था, उसके बाद जब उसका रिकॉर्ड डेट था उस समय आपको 2000 पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद 6 से लेकर और 21 तारीख को आपका डेट था बाईबैक का, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, और उस समय बाईबैक कंपनी ने किया था 2100 रुपये पे। तो उसके बाद भी शेयर्स आपको 2198 का गया। तो इस टाइप से अगर आपकी हिस्ट्री देखें तो बाईबैक बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, 18 में भी, 20 में और ये अभी 21 में। तो उस समय आपके जो बाईबैक थे कम थे, लेकिन इस बार का बाईबैक थोड़ा सा ज्यादा है 18,000 करोड़ के पास। तो आपने तो पहला काम किया कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपकी खोलने के बाद आपको, क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो आपको TCS टाटा कंसल्टेंसी का शेयर आपको परचेज करना है, ठीक है। और ये शेयर कितने परचेज करने ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार 10 लाख का शेयर खरीद लें, 5 लाख का शेयर खरीद लें। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि अगर हमारे पास 2 लाख से नीचे शेयर है तो हम इसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। और 2 लाख से ऊपर अगर आपके पास शेयर है तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते। तक अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है तो फिर आपके पास थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे इस बायबैक में ज्यादा परसेंटेज मिलने के लिए। तो बायबैक का ज्यादा परसेंटेज लेने के लिए आपको, आपके पास 2 लाख से कम का शेयर होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होनी चाहिए। अभी 2 लाख को कैसे काउंट करेंगे, तो आपको सीधे के सीधे करना क्या है, 4500 आपका एक रेट निकाला हुआ है TCS ने, तो 4500 डिवाइड कर दीजिए आप 2 लाख से, ठीक है। 2 लाख से जो आप डिवाइड करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपके पास 40-44 शेयर्स आपके पास आते हैं। तो आपके पास अभी अनाउंस होने से पहले, TCS के डेट अनाउंस होने से पहले, आपके पास आपके अकाउंट में 44 शेयर या इससे कम शेयर होने चाहिए, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आएंगे और इसका आप फायदा ले पाएंगे। हालांकि आप इससे ज्यादा भी रखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वहां पर आपको, क्योंकि जो आपके HNI क्लाइंट्स हैं, जो आपके ज्यादा लोग क्लाइंट है, वहां पर परसेंटेज आपके पास कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी रिटेल इन्वेस्टमेंट है, रिटेल इन्वेस्टमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपके घर में 2 पैन कार्ड है, दो आपके पास डीमैट अकाउंट है, या बेसिकली क्या है, एक पैन पर चाहे आप कितने भी डीमैट अकाउंट रखे हैं, आपको 2 लाख रुपये तक ही इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा नहीं कि आपने 2 डीमैट अकाउंट खोल रखा है तो उसमें आपने 2-2 लाख सब में कर दिया, नहीं, बिल्कुल आपको एक ही जगह पे 2 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट करना है, या 30,000 करके आपने 2 जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो इस टाइप से आप शेयर परचेज कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अब एक पैन पर 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। और उसको अब अप्लाई कैसे करेंगे, जब आपके पास शेयर आ जाएगा, जब TCS अपना डेट अनाउंस कर देगी, उस डेट में आपको, आपके पास जो भी अकाउंट है, चाहे आपका जिरोदा है या भी जो भी अकाउंट है, वहां पर ऑप्शंस होता है ऑनलाइन आपको ऑफर करने का, तो आप वहां पर जाकर ऑनलाइन ऑफर कर देंगे। इसके लिए मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, आप देख सकते हैं। तो वहां पर जाकर आप ऑफर कर दीजिए और उसके बाद आपका वो पैसा, जैसे ही जो परसेंटेज आपके पास होगा वो उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस बायबैक का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास, मान लीजिए उसके बाद शेयर्स के रेट और थोड़े गिरते हैं और आपको ये अच्छा लगता है, तो उसमें और आप शेयर्स ऐड कर दीजिए, क्योंकि TCS का रेट आने वाले कुछ समय तक 4500-4600 तो आराम से ही जाना है, इसमें टेंशन करने की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और आप अगर अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप दिए हुए लिंक पर डीमैट अकाउंट खोलिए। आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, और इन्वेस्ट कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका रिटर्न्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।